गाइस हैव अ लुक। यहाँ से नजारा कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। वाह, खास करके नीचे देखिए, व्यू पॉइंट कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। एंड वो जो बुद्ध भगवान आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, आई डोंट नो, बट यहाँ से कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा था। कल हम लोग गए थे। यहाँ से एक बार नीचे व्यू दिखा दो भाई, कैसा जाने मेरी जाने मन, चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम ऊपर चलते हैं। चल। गाड़ी स्टार्ट कर। एक्सीलेंस इज अ जर्नी, डिसिप्लिन इज अ व्हीकल। हाँ, जर्नी तो एक्सीलेंस होगा अगर डिसिप्लिन से बाइक चलाएंगे तो। गाइस वाओ, यहाँ के पेड़ थोड़ा अलग किस्म के दिखाई दे रहा है। रास्ते में हमें एक घोड़ा भी दिखने को मिला है। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे है? तो हम लोग पहाड़ के बहुत ऊपर में पहुंच गए, पता है? नहीं। देखो भाई, यहाँ से टावांग कितना नीचे दिखाई दे रहा है। हालांकि टावांग भी कितना ऊंचा था। एंड मतलब ये बादल जो है ना, पूरा हमारे पास में घुटनों पड़ी है। एंड ठंड बहुत है भाई पहाड़ों में, सच में बोल रहा हूँ। यहाँ से PTS और लेक झील भी ज्यादा दूर नहीं है, बट भाई मुझे लगता है भाईजर लगाना पड़ेगा, ठंड बहुत है। ये रहा PTS और लेक, ले जाएंगे आप लोगों को दोस्तों। एंड ये मैप कहाँ साइड हो गया भाई? इन कार्विंग में बाइक चला के ना एक अलग का भाई आता है। हर काम देश के नाम। वाह, देखो बादल एंड ठंड तो भाई भर भर के। ऐसा लग रहा है कि नाम के रेनकोट लगा लो, बट रेनकोट लगाने में बहुत झमेला है भाई। ये इससे काम चलाना पड़ेगा, इतना मोटा हो जाता है भाई, कुछ काम करने में, कुछ पकड़ने में, मोबाइल को इधर से उधर ले जाने में वगैरह वगैरह काम करने में मुश्किल हो जाता है। रेनकोट लगाने के लिए आई एम कर्वियस विश लो। बात तो सही है, ये बहुत ही कर्विंग है, ज़्यादा तेज़ बाइक नहीं चलाना है। आप खुद देखो नीचे कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा वाइटिश। हालांकि नीचे पूरा टावांग शहर है, अभी दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि हम लोग अभी बादलों के ऊपर में हैं। फिर हम लोग मतलब पूरा टॉप में पहुंच गए भाई। एंड यहाँ के साइन बोर्डों में इतना सुंदर सुंदर लिखावट लिखे होते हैं ना, जिसको सुनकर मुझे मज़ा आ जाता है। नीचे से जो नज़ारा दिखाई दे रहा है ना, वो कतई जहर है। पहाड़ के ऊपर में धूप आना चाहिए, लेकिन देखिए पहाड़ के नीचे में धूप है। हम जो पहाड़ के एकदम चोटी पे पहुंच गए, यहाँ पे कोई धूप नहीं है। आप लोग ऐसे जगह पे राइड करना चाहोगे कि नहीं चाहोगे यार, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चीन की विस्तारवादी नीति का अहम हमने गिराया है, सड़क और पुल बनाकर शहद गोला बारूद हमने बढ़ाया है ना, कुछ लिखा था, बट जो भी है मस्त लिखा था भाई। यहाँ पे सड़क बनाने के वजह से इंडियन आर्मी को बहुत ही ज्यादा सुविधा होता है कि वो चाइना बॉर्डर तक पहुँचे एंड समय रहते ही जो एम्यूनेशन रहती है वो सारा जगह पे पहुँचा दिया जाए। पहले क्या होता था कि यहाँ पे रास्ता वगैरह बहुत ही ज्यादा खराब था, तो इंडियन आर्मियों को बहुत ज्यादा तकलीफ होता था लड़ाई के समय में बंदूक गोलाबारी को डेस्टिनेशन तक पहुँचाने में। अभी इतना सुंदर रास्ता हो गया कि पलट झपकते ही इंडियन आर्मी अपने गाड़ियों में पहुँचा सकता है। एंड बाइक का आवाज़ सुने भाई, बेचारा यार इस ग्लैमर ने बहुत ज़्यादा तकलीफ उठाई है, इसको मैं अपने तहे दिल से बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि आप लोगों को भी इस बाइक को धन्यवाद कहना चाहिए कि आप लोगों को इस नज़ारे दिखाने के लिए इस बाइक ने बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाई है। गाइस, यहाँ से जो सीन दिखाई दे रहा है ना, मैं नहीं बोल सकता कि भाई कितना सुंदर दिखाई दे रहा। ओ भाई साहब, हैव अ लुक, इट्स जस्ट लाइक हेवन यार। एंड इन पहाड़ियों में जो ये छोटे छोटे झंडे लगा दिए गए हैं ना, ये एक औसम सी लुक देती है गाइस, सच में। एंड ऐसे जगहों पे फोटो क्लिक करने में जो मज़ा है वो किसी और जगह पे नहीं है। ऐसे खास करके पहाड़ इलाकों वाले जगह पे ही ऐसे झंडे वगैरह टांग दिए जाते हैं। अगर आप सिक्किम जाओगे या फिर भूटान जाओगे, वहाँ में भी ऐसे बहुत सारे झंडे आपको दिखने को मिलेगा। एंड सच में अच्छा लगता है। लिव सुनर, ड्राइव स्लोअर, लिव लॉन्गर। वाह, क्या लाइन लिखा है, जल्दी निकलो, धीरे चलो और लंबे समय तक जियो। क्या बात लिखी है, मतलब आपको लेट नहीं निकलना है, क्योंकि आप लेट निकलोगे तो आप जल्दबाजी करोगे तो आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है एंड आपका जीवन भी छोटी हो सकती है। हाँ, यहाँ PTS लेक भी है। एंड यहाँ के जो जंगल जो है ना, वो थोड़ा अलग किस्म का है भाई। ठंड के वजह से ऐसा लगता है कि पत्ते भी सिकुड़ गए हैं। इफ़ यू आर मैरिड स्पीड डिवोर्स। वाह, अगर आपने शादी की है एंड आप स्पीड में गाड़ी चलाओगे तो आपका डिवोर्स भी हो सकता है। वाह भाई, और सबसे लाइन लिखी है भाई, दिस इज ए हाईवे नॉट ए रनवे। आओ भाई जाओ। यहाँ के ये आसाम की गाड़ी है। वो जो आगे गाड़ी जा रही है वो बहुत हैवी गाड़ी है एंड उसको ही चढ़ने में इतना मुश्किल हो रहा है एंड हमारी बाइक जो ग्लैमर, इससे तो क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो भी हो ये इतना मतलब हमें ऊपर उठा रहा है ना, मैं सोच भी नहीं सकता कि भाई ये बाइक का भी इतना पावर है। एंड हालांकि मैं सिंगल भी नहीं हूँ, मेरे पीछे पिलियन भी बैठा हुआ है। पिंटू भाई इतना मोटा है, लगभग 80 kg का होगा, उसको उठा रहा है, मेरे को उठा रहा है एंड ऊपर से सामान भी है। हैट्स ऑफ टू दिस बाइक गाइस। जाने मेरी जाने मन, एंड लुक अराउंड, आप लोग देख सकते हैं गाइस हम लोग कितने ऊंचे हैं। एंड ये बाइक का खास बात ये है कि इसने डबल लाया है, सिंगल भी नहीं गाइस। आई लव यू माय जाने। दोस्तों दोबारा हम लोग यहाँ पे देखे, कहाँ पे फंस गए देखे गाइस हम लोग यहाँ पे। ये रहा बर्फ, सारे बर्फ देखे, मैं उठा के दिखा नहीं, ये है यहाँ पे है, जाएगा ना यहाँ पे, ये रहा बर्फ देखे, ये रहा बर्फ देखे। एंड बारिश के वजह से हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है गाइस, कहाँ हमें रुकना पड़ रहा है। आप सुन दो भाई साहब, यहाँ से एक बार नीचे व्यू दिखा दो भाई, कैसा दिख रहा है यहाँ से व्यू देखो गाइस, भयंकर दिखाई दे रहा है, एकदम भयंकर। बाकी और ट्रक क्या लेवल में आ रहा है। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ठंड है गाइस। फाइनली गोरखा ब्लॉगर आप लोगों को बर्फ़ दिखाने वाला है गाइस। देखिए ये रहा बर्फ, ओ भाई ये रहा बर्फ गाइस, हैव अ लुक, बर्फ है ये, माय गॉड। फाइनली गोरखा ब्लॉगर आप लोग दिखे, बर्फ दिखा रहा है, आ जाओ गाइस। और यहाँ का जगह अच्छे से एक्सप्लोर कराएंगे। देखे बर्फ है, बर्फ का गोला गाइस, हैव अ लुक। आप लोग यहाँ आना चाहोगे कि नहीं चाहोगे। अभी हम लोग का टावांग के टॉप पोजीशन पे है, अभी हम लोग को बर्फ देखने का मौका मिलेगा। बर्फ को गोला ना, ये रहा बर्फ गाइस। देखो ऐसा बर्फ़ देखकर कैसा लग रहा है, एकदम सुकून मिल रहा है। लाइफ में पहली बार मैं बर्फ़ को टच कर पा रहा हूँ हाथ मोचे के साथ, क्योंकि बहुत ठंड है। बिना ग्लव के भी एक बार टच करके देखो, क्या ये ग्लव पकड़, खतरनाक लग रहा है। ठंडा है भाई, देखिए बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। ये कौन सा पता है, आई डोंट नो। पूरे बर्फ़ में भी ये देखे कैसा उग रहा है, ऊपर में भी पूरा बर्फ ही है। एंड वो नीचे देखे कितना सुंदर झील है। हम लोग कितने ऊपर वाले लोकेशन पे पहुंच गए गाइस, मैं बता नहीं सकता, कितना मजा आ रहा है। तो दोस्तों अभी मैं कश्मीर में हूँ, कश्मीर में नहीं, अभी टावांग पे हूँ। देखे यहाँ पे बर्फ कितना सारा, मैं आपको हाथों से पकड़ के दिखाने वाला हूँ गाइस। गाइस देखे इतना बड़ा बर्फ मेरे अपने हाथों में उठायो। मैं फिल्मों में देखा करता था, मूवी में भी देखा करता था, हीरो हीरोइन को ऐसे बर्फ मारते ऐसे मारते। आज मैं अपने हाथों से खेल रहा हूँ बर्फ। एंड गोरखा ब्लॉगर आप लोग ये बर्फ दिखा रहा है, बहुत ही ज्यादा बर्फ आ रहा है। ठंडी लग गया ये। दोस्तों हैंड ग्लोव लगा लेता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडी है एंड यहाँ पे बहुत संभल के चलना होगा भाई, बहुत स्लीपरी है गाइस। देख सकती है, देखने में ऐसा लग रहा है ना ये बर्फ़, तो इसमें से बहुत ज़्यादा स्लिप करता है भाई, देख के चलूँगा। एंड आप लोग ऐसे बर्फ़ में आना चाहोगे कि नहीं आओ चाहोगे, मेरे को ज़रूर बोलना दोस्तों। अच्छा हुआ कि हमें ऐसा सुंदर लोकेशन देखने को मिला एंड आप लोगों को मैं ये लोकेशन दिखा पाया। दोस्तों देखिए वो जो बर्फ़ वाला पहाड़ यहाँ से कैसा दिखाई दे रहा है, वाकई में भयंकर लुक है भाई, औसम सी लुक है। गूज बम निकल जाती है उन पहाड़ों को देखकर। वाह भाई वाह, मानना पड़ेगा उन पहाड़ों में भी भाई पूरा रास्ता बनाया है। दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।